अरे भाई जल्दी ले आओ, वक्त कम रह गया है। जी जी अब्बू, बस ले आई अम्मी, बस आनंद लेके आ रही। आराम से करें सैरी, अभी आधा घंटा बाकी है। अरे वो शुमाइल उठा या नहीं? जी जी अब्बू, मैंने उठने का कहा तो था उन्हें। बेटा जाओ, जाके उसको दोबारा उठा दो, वरना वाकई सैरी का टाइम खत्म हो जाएगा। जी अम्मी, मैं उठाती हूँ उन्हें जाके। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा, मुझे तो शर्मिंदगी होती है। आपकी बातों का असर ही नहीं लेता भाई। भाई उठ जाए, सैरी कर लें बाहर, अम्मी अबू बुला रहे हैं आपको। क्या हो गया यार, मेरा दिल नहीं है बिल्कुल भी उठेगा। तो क्या रोजा छोड़ देंगे? नहीं नहीं, बगैर सैरी का रोजा रख लूंगा मैं। सैरी जरूरी होती है भाई। हो जाता है बगैर सैरी का भी, कुछ नहीं होता। जाओ मुझे सोने दो। लेकिन आ गए आप। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। आज भी कोई काम नहीं मिला समीना। अरे आप फिक्र मत करें, ये जो कमीज सीरी हो ना, इसके कल तक मुझे 800 रुपए मिल जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा ऐसे कैसे गुजारा होगा, घर में सौदा भी डलवाना है और बिलाल को ईद के नए कपड़े भी लेके देने। बस आप हिम्मत मत हारें, अल्लाह मेहनत और सबर का फल जरूर देता है। जाएं आप अंदर जाके आराम कर लीजिए। सब विचार माँ। जी मेरा बेटा, मुझे भी रोजा रखना है कल। हैं? आप रोजा रखेंगे? अभी तो आप बहुत छोटे हैं। नहीं अम्मा, 10 साल का हो गया, मेरे सब दोस्तों ने रोजा रखा है, और पता है फारूक ने तो एक दाल का रोजा रखा है। अच्छा चले ठीक है, आप रोजा रख लीजिए, लेकिन आप रोजा तोड़िएगा नहीं। नहीं तोड़ूंगा अम्मा, रोजे रखते क्यों है? रोजा ताकि इंसान के अंदर तकवा पैदा हो। और ये तकवा क्या होता है? मतलब हर चीज से परहेज करना, जैसे झूठ बोलना, गीबत करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, किसी के लिए हसद जलन रखना और अल्लाह ताला से डरना। तो क्या रोजे के अलावा हम झूठ बोल सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं? नहीं, हरगिज नहीं। हमें किसी भी महीने में ये काम नहीं करना चाहिए। पता है क्यों? अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं। तो फिर सिर्फ एक महीने ही, इसकी पाबंदी क्यों? और वैसे भी रोजा गुनाहों को जला देता है, समझे आप? ठीक है अम्मा, अब मैं हर साल रोजे रखूंगा और तकवा करूंगा। शाबाश। अच्छा जाओ, पापा आ गए, आप जाके उनसे मिल लीजिए। शुमाइल, 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 तुम्हें कुछ होश भी है? क्या टाइम हो गया अब्बू? शाम के 5 बज रहे हैं। तुमने तो रोज का यही मामूल बना के रखा हो, सुबह सेरी करके फजर पड़े बगैर ही सो जाते हो। जोर तुमने पढ़नी नहीं है, असर में 4 सजदे कर लेते हो और आज वो भी नहीं पड़ी। अबू क्या हो गया, रोजे तो मैं पूरे रख रहा हूँ ना। क्या फायदा ऐसे रोजे रखने का? इसे रोजा रखना नहीं कहते, इसे भूखा प्यासा रहना कहते हैं। और अल्लाह को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ऐसे भूखे प्यासे रहने वालों की। और तुम कोई नन्हे बच्चे तो नहीं हो जो तुम्हें बार बार समझाएं। अबू प्लीज, अब लेक्चर मत देने शुरू करते हैं, वैसे ही सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। रोजे को बोझ समझ के रखोगे ये तो होगा। हमारे नबी ने फरमाया
कि बहालत ईमान सवाब की नीयत से अगर रमजान के रोजे को रखे उसके साहब का तमाम गुना माफ हो जाते हैं। हर चीज की जकात होती है और जिस्म की जकात रोजा है। और तुम्हें पता है सबर की जजा की कोई हद नहीं होती, इसीलिए अल्लाह ने रोजे की जजा को बेहद करार देते हुए अपने लिए मंसूब किया कि इसकी जजा मैं हूं। अच्छा ना अबू, पढ़ लूंगा मगरिब की नमाज। कोई ऐसा नहीं करोगे, एक वक्त की अगर नमाज पढ़ लोगे तो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मेरी औलाद ही नहीं हो, इससे तो अच्छा था कोई लड़की हो जाती। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे उसी तरह फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अरे भाई साहब, बड़ी देर हो गई आपको, मैं तो पौने घंटे से आपका इंतजार कर। हाँ यार, ये जरूरी फोन आ गया तो उसमें लग गया था मेरा, ये वो तुम्हारे पास नहीं। छः क्या भाई साहब, हमारी तो आपसे 5,000 रुपये में बात तय हुई थी। हाँ लेकिन काम तो जल्दी हो गया था ना यार। ऐसा ना करें भाई साहब, हमारी आपसे बात 5,000 रुपये में तय हुई थी और आपने घर के मुझसे और दूसरे भी काम करवाए। देखें मेरा टाइम तो उतना ही लगा है और बल्कि मेहनत तो और भी ज़्यादा लगी है भाई साहब। शुक्र करो काम मिल गया, दर्जनों खड़े हैं, वो तो मेरे बहनोई की वजह से मैंने तुम्हें बुला लिया। भाई साहब ये बहुत कम है, आपने खुद 5,000 रुपये तय किए थे और अगर आप मुझे वहीं बता देते ना कि इस काम के साथ साथ और काम भी हैं तो मैं 5,000 में भी नहीं आता। अबे फिर क्या तुझे 10,000 दे दूँ इस काम की? अरे भाई कम से कम जो तय है आप मुझे वो तो दे दो। इसी काम के लिए अगर आप किसी और मजदूर को भी बुलाएं ना तो 8,000 रुपये से कम नहीं आएगा वो। अबे तू बेवकूफ किसी और को बना, मुझे सब पता है कौन सा काम कितने में होता है। देखिए भाई मैंने आपका काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक तो आपने मुझसे एक काम के बजाय दो काम करवा लिए और आप पैसे भी कम दे रहे हैं। देखिए कम से कम पैसे तो पूरे दे वरना फिर ये भी रखो भाई। जाओ यार, चलो जाओ यार, जाओ। जिसने धोखाधड़ी से काम लिया वो हम में से नहीं, धोखा और फरेब करने वाले का ठिकाना जहन्नुम है। यार तुम्हें पता है सर ने क्या कहा? कह रहे थे कि पेपर स्टार्ट होने वाले। हाँ यार पेपर्स की टेंशन तो मुझे भी बहुत है, पता नहीं कैसी तैयारी होगी, इतना सारा सिलेबस बाकी है अभी। हाँ यार बहुत सिलेबस बाकी है हमारा, क्या होगा पता नहीं। हाँ हो ही जाएगा। बाजी अल्लाह के नाम पे देना, आपको बहुत अच्छा दूल्हा मिलेगा। बाजी आप भी देना, अल्लाह आपको बहुत खुश रखेगा। अरीच यार मैं ये तुम्हें एक पिक्चर तो लो इसके साथ, ताकि दुनिया को पता तो चले कि किसी ने फकीर को 500 रुपये दिए हैं। मारिया मगर तस्वीर की क्या ज़रूरत है? लो खींचो तो यार, पहले मैं बताती हूँ, ये लो। तस्वीर क्यों ली है तुमने? ये तस्वीर मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगी, तुमने मेरी इंस्टाग्राम वॉल तो देखी होगी ना, ऐसी कई तस्वीरें मेरी वॉल पे मौजूद हैं। ये देखो सर्दियों में मैंने कुछ खानदान को कंबल दिए और कुछ फैमिलीज में मैंने राशन पहुंचाया। व्यूज चेक करो यार कितने ज़्यादा हैं और फॉलोअर्स भी 10 मिलियन होने वाले हैं। तुम ये सब व्यूज़ के लिए करती हो? हाँ ना, जितने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं और फॉलोअर्स होते हैं लोग उतना ही ज़्यादा अप्रोच करते हैं मार्केटिंग के लिए। ये देखो ना, जब से मैंने ये नेकी की पोस्ट करना स्टार्ट किए हैं तब से मेरे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। नहीं क्या तो तुमने ज़ाया कर क्या? नहीं कुछ नहीं। ए ईमान वालों, तुम एहसान जताकर ईजा पहुंचाकर अपनी खैरात बर्बाद मत करो, ऐसे लोगों को अपनी कमाई जरा हाथ नहीं लगेगी। आ गई तुम नमाज पढ़कर? अरे मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैंने हीरे से कहा चाय बना दो, वो मेरे लिए बिस्किट भी ले आई। भांजी है ना मेरी। अच्छा कितने रोजे छूट गए तुम्हारे? अरे कहाँ, एक भी नहीं रखा।
तुम्हें तो पता है मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती, शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे होता रहता है। शनाज, ये कोई उज़र नहीं होता। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें डॉक्टर ने मना किया रोजा रखने के लिए? नहीं, दवाइयाँ खाती हूँ ना। मेरे बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, वो कहते हैं अम्मी हम तुम्हारा फदिया दे देंगे, रोजे मत रखो। बेशक हम फदिया दे सकते हैं, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि अल्लाह की इस रियायत से हम फायदा उठा रहे हैं या हम इस पे पूरा उतर रहे हैं। अरे निगत बहन, तुम तो जानती हो, तुमने मेरी सारी रिपोर्ट्स भी देखी है। अल्लाह जानता है मैं किस दिल से रोजे छोड़ रही हूँ। रातों को जाग जाग कर मैं अल्लाह ताला से ऐसी माफिया मांगती हूँ कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। अगर मेरी दिल की और शुगर की बीमारी ना होती ना, मैं एक रोजा भी नहीं छोड़ती। मैं जानती हूँ, मैं इस्लाम के साथ साथ साइंस का भी मुताला कर रही हूँ। रोजा दिल शुगर और मैदे के मरीजों के लिए तो मुफीद है। ऑस्ट्रेलियन माहिर नफ्सियात सिगमंड फ्राइड का कहना है कि रोजा जिस्मानी खिंचाव, डिप्रेशन और नफ्सियाती अमराज का खात्मा करता है। भाई कोई कुछ भी कहे, मैं तो कुरान और सुन्नत पर अमल करती हूँ, और अल्लाह ने अगले साल हिम्मत और ताकत दी तो पूरा रोजा रखूंगी। खैर ये तो सब दिल से होता है। अच्छा मैं तो कुरान शरीफ पढ़ने जा रही हूँ। और हाँ, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि जो इस महीने में हाजिर हो वो रोजा रखे, और जो सफर में हो और बीमार हो वो इतने ही रोजे दूसरे वक्त पे रखे। तुम फिदिया देने के बजाय अगर रोजा रखो ना तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। जिसने ईमान और एहतसाब के साथ रमजान के रोजे रखे वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जिस तरह अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। ओ हेलो, तुम लोगों को 10 बार मना किया है कुंडा मत लगाया करो, समझ नहीं आती है क्या? तो क्या करें मेरे भाई, गर्मी देख रहे हो कितनी हो रही है, कुंडा नहीं लगाएंगे तो और क्या करेंगे? तुम लोगों की वजह से हमारे मोहल्ले की कई कई घंटे लाइट जाती है। मैं अभी बिजली वाले को फोन करता हूँ। इधर आ, किसको फोन करेगा? क्या मसला है? रोजा ढाल है, पसे रोजादार फाशी कलामी करे न जहालत की बातें, और अगर कोई उससे लड़े या गाली दे तो वो 2 दफा कह दे कि मैं रोजादार हूं। आज काम पर नहीं जाएंगे? क्या करूं, घंटों घंटों जाके धूप में बैठा रहता हूं, कोई दिहाड़ी नहीं लगती। कोशिश तो करें ना। कोशिश तो कर रहा हूं, अल्लाह को भी नजर आ रहा है, मैं तो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हूं। आपका अल्लाह से शिकवा बनता नहीं है। मैं मानती हूँ कि आप मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपसे ये काम नहीं हो रहा है तो आप कोई और काम देखें ना। कुछ और क्या करूं? अरे मैं कोई पढ़ा लिखा हूँ क्या? बात पढ़े लिखे होने की नहीं है, हुनरमंद की है। ये देखें कितनी खूबसूरत खत्ताती करते हैं आप, अगर आप इसी काम को आगे बढ़ा लें। आजकल ना कंप्यूटर से सब काम हो जाता है, और इस हाथ से बने हुए डिजाइन की अब कोई अहमियत नहीं है। खुद से खुद सोचकर मायूस हो जाते हैं, इसीलिए तो आगे नहीं बढ़ पा रहे। जिसने ईमान और एहतसाब के साथ रमजान के रोजे रखे वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जिस तरह अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। भाई ये सेब क्या हिसाब है? बहन ये 300 रुपए किलो है। इतना महंगा? ये अच्छी क्वालिटी वाले हैं, कुछ फुसे नहीं है, आप जरा चेक करके देख ले। अरे मैं कैसे खा के बता सकती हूँ, रोजे से हूँ, लेकिन मैं रमजान से पहले आई थी तो 160 रुपए किलो थे। रमजान से पहले तो इमरान खान की हुकूमत भी जाने वाली थी। रमजान का बाबरकत महीना है, उसमें तुम लोग इतनी कीमतें बढ़ा देते कि बंदा खाए क्या और बचाए क्या। यही तो महीना होता है बहन हमारे गरीबों का, इसी महीने में तो हमने कमाना है। सही बात है, यही महीना मिलता है तुम लोगों को कमाने का और हम गरीबों को नोचने का।
ये बताओ ये केले क्या दर्जन है और ये कीनू क्या हिसाब है? 250 रुपए दर्जन है। और कीनू? कीनू 300 रुपए। ऐसा करो ये 3 ये निकाल दो कीनू और ये 4 सेब डाल दीजिएगा बस, और ये केले जो है ना आधा दर्जन कर दें। ए ईमान वालों, बातिल तरीके से आपस में एक दूसरे के माल ना खाओ, अलबत्ता ये कि तुम्हारी बाहमी रजामंदी से तिजारत हो और अपनी जानों को कत्ल ना करो, बेशक अल्लाह तुम पर। कहाँ रह गए थे आप? जल्दी से अफ्तारी कर लें, रोजा खुल चुका है। हाँ हाँ कर लेते हैं, अभी तो अजान शुरू हुई है। बेटा रोजे के इफ्तार पे आ जाएगा। कुछ नहीं होता अम्मी। यही बातें कह के तुम नजरअंदाज करते हो, बज़ाहिर कुछ गुनाह और गलतियां जिन्हें हम छोटा समझते, कुछ पता नहीं रोजे मैशर वो गलतियां और गुनाह हम पे कितने भारी पड़ जाएंगे। अब अफ्तारी तो करने दें अम्मी सुकून से। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने और तुम्हारे बाबा ने ये तो नहीं सिखाया, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। खामोशी से अफ्तारी की, खाते वक्त बातचीत नहीं करते। मेरे बंदों में प्यारे वो हैं जो अफ्तार में जल्दी करें। वालेकुम सलाम। इमाम साहब कैसे गुजर रहे हैं रमजान और रोजे कैसे गुजर रहे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है, रमजान एक इनाम है, दिलों और जिस्मों को पाक करने का मौका है, बस इसी की कोशिश में। इमाम साहब अगर आप ऐसी बात करेंगे तो हम तो पता नहीं कितने बड़े गुनहगार हैं। गुनहगार सभी हैं, जाने अनजाने में सबसे गुनाह हो जाते हैं। गुनाह का एहसास करना, फिर इस पर तौबा करना और फिर दोबारा ना करना, इसी का अहद करना मकसद होता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है सुभान अल्लाह। इमाम साहब को पूछना ये था कि आपके साहबजादे आजकल नज़र नहीं आ रहे, तबीयत ठीक है उनकी? अभी वो नौजवान है, ना समझे, बस उसी को कायल करने की कोशिश कर रहे। पहले तो हर नमाज में जमात के साथ नजर आते थे, लेकिन अब तो तरावी में भी नजर नहीं आ रहे। अच्छा खैर छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि ये जो मस्जिद की दीवार है ये काफी बोसीदा हो रही है, इसे बनवाने का क्या सोचा आपने? उसे भी एक दो दिन में कुछ ना कुछ कर लेंगे। अच्छा, मेरा एक जानने वाला है वो ये काम एक दिन में कर देगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर आप उसे बुला लें एक दो दिन के अंदर। चले मैं उसे आपसे लाजमी मिलवाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ दीनी बातें कुछ दर्स हो जाए। अम्मा मुझे भूख लग रही है। बेटा मैंने आपसे बार बार कहा था कि अगर आपको भूख बर्दाश्त है तो आप रोजा रखिएगा, अब ये बहुत गलत बात होती है, आप इस तरह के बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं। भूख बर्दाश्त कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि भूख लग रही है। बार बार ऐसे नहीं बोलते हैं बेटे, रोज़ा ख़ास अल्लाह के लिए रखा जाता है और अगर आप सब्र करेंगे ना, अल्लाह ताला आपको बहुत प्यारा सा इनाम देंगे। मुझे साइकिल चाहिए, अल्लाह पाक साइकिल देंगे? हाँ ज़रूर देंगे, अल्लाह ताला अपने असबाब ऐसे पैदा करेगा कि आपको साइकिल भी दे देगा। असबाब क्या होता है? असबाब मतलब
अल्लाह ताला ऐसे रास्ते पैदा कर देगा जहाँ से बहुत सारे पैसे आएंगे और उन पैसों से मैं अपने बेटे को साइकिल दिला दूँ। देखो दरवाजे पे कौन है? नहीं है। कौन? अम्मा कोई फकीर आया है। कोई नहीं है, अभी जाओ। अरे नहीं बेटा, रुक जाओ, आप इधर आइए, इधर आए। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी साहिल को कभी ना नहीं फरमाया। हदीस मुबारक है कि अगर पहाड़ मेरे लिए सोना बन जाए तो उसे 3 रातों में तकसीम कर दूं। बेटा किसी को फकीर नहीं कहते। हमें नहीं पता कि अल्लाह के नज़दीक कौन गनी है, और जो साहिल तहलीस पर आए उसे खाली हाथ नहीं लौट आते, बल्कि अपनी इस्तेदात के मुताबिक जो हो वो दे देना चाहिए। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनके माल की मिसाल उस दाने की सी है जिसने गंदम की 7 बालियां उगी और हर एक बाली में 100-100 दाने हों, और अल्लाह जिसके माल को चाहता है ज़्यादा कर देता है, वो बड़ी कशाइश वाला और सब कुछ जानने वाला है। यार तुम इतने कम पैसे क्यों लाई थी रखे शॉपिंग के लिए? यार तुम जानती तो हो मेरे अब्बू की इतनी आमदनी नहीं है, और वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों का बिल्कुल शौक है। हाँ भाई मोहतरमा तो इमाम साहब की बेटी हैं। इसका मेरे अब्बू के इमाम होने से क्या ताल्लुक है? मैं वही हूँ जो अंदर से हूँ, और वैसे भी आज तक मेरे अब्बू ने मुझे किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं और ना ही किसी चीज़ पर पाबंदी लगाई है। अच्छा मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारे अंदर एक बूढ़ी औरत है। अच्छा सुनो मैं रक्षा लेके आती हूँ। ऑटो। सुनो जी ये तुम्हारे लिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए। रख लो, इनसे कोई अच्छा सूट खरीद लेना। शुक्रिया। लेकिन जिसके साथ दुपट्टा हो ये रखो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। अरे भाई सही पैसे कर लें आप, तो बिल्कुल ही नाजायज पैसे ले रहे हैं। सही काम है आप। ये यहाँ क्या करिए, इतने सारे पैसे दे दिए इसने फकीर को। जो किसी बेलिबास मुसलमान को कपड़ा पहना दे तो अल्लाह उसे जन्नत का सब्ज रेशम पहनाएगा। जो किसी भूखे को खाना खिलाएगा अल्लाह उसे जन्नत में मेवे खिलाएगा। ये क्या करा तुमने यार? कुछ नहीं बस उसको पैसे दे दिए। कुछ अपनी सारी शॉपिंग के पैसे दे दिए तुमने उसे? तुम क्या पहनोगी अब? मैं कुछ भी पहन लूंगी यार जो अल्लाह पहना दे, और वैसे भी शायद मुझसे ज़्यादा उसको ज़्यादा ज़रूरत ही पैसे की। और रमज़ानों में तो हमें ज़्यादा उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो हमसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैंने उसको कुछ पैसे दे दिए। بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا الرحمن علم القرآن رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا خلق الانسان انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا علمہ البیان ما کان ما یکون کا بیان انہیں سکھایا الشمس والقمر بحسبان सूरज और चाँद हिसाब से हैं वन्नजमु वश्शजरु यस्जुदान और सब्ज़े और पेड़ सजदा करते हैं वस्समा रफ़अहा ववज़अ अल्मीज़ान और आसमान को अल्लाह ने बुलंद किया और तराजू रखी। बेटा ये आज सूरज किस सिम से निकला है? अम्मी मैं कुरान तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सुनी सुनाई बातों में आके मज़हब से दूर हो रहा था। बेटा तुम्हें इस बात का कैसे अंदाज़ा हुआ? अम्मी मेरे एक दोस्त ने किसी बात पे कुरान और हदीस का हवाला पेश किया, लेकिन जब मैंने घर आके सर्च किया तो उसने मुझे गलत बयान किया था, इसीलिए मैंने कुरान का तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ने का फ़ैसला किया है। ये तो बहुत अच्छा फ़ैसला है। इंसान को पहले ख़ुद तहकीक करनी चाहिए, फिर किसी नतीजे पर पहुँचना चाहिए। जीते रहो, खुश रहो। अल्ला तदगौ फिल मीज़ान के तराजू में बेअदाली ना करो,
وَعَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ. وَالْأَرْضَ وَوَضَعَ لِلْأَنَامِ اور زمین میں رکھی مخلوق کے لیے. جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا زیادہ ہوتا ہے. آپ مسجد سے بہت جلدی نہیں آگئے؟ ہاں تھک گیا ہوں. کام نہ ملنے کی وجہ سے تھک گئے ہیں یا عبادت سے؟ پتہ نہیں، مجھے تو آگے کی فکر ہو رہی ہے کہ سارے اخراجات کیسے پورے ہوں گے. اخراجات تو اس وقت بھی پورے ہو رہے تھے جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. پورے 1 سال تک میں لوگوں کے گھروں میں کام کیا، اخراجات تو اس وقت بھی پورے ہو رہے تھے جب آپ کی نوکری چھوٹ گئی تھی. تب لوگوں نے مجھے کام دینا چھوڑ دیا تھا، پھر میں نے سلائی کا کام شروع کیا اور آج تک کر رہی ہوں. گزارا ہو رہا ہے نا. زندگی ایسی نہیں ہوتی سمینہ، میں تم کو اور اپنے بیٹے کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ یہ اللہ کے لیے جو اتنے شکوے شکایت رکھ کے بیٹھے ہیں میں نے اس کو ختم کر دیجیے، اور مستقبل کی فکر میں اپنے حال کو خراب مت کیجیے. 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، سکون کی گزارا کریں، اس میں شکر ادا کریں کہ برکت ہے. کیوں نہیں سمجھتے ہیں آپ، جس کے نصیب میں جتنا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے. لیکن میں اپنا نصیب خود بنانا چاہتا ہوں. ایک ہی لکیر کو پکڑ کر بیٹھے رہیں گے نا تو کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. آگے تاک راتیں آ رہی ہیں، بیٹھے ہیں اللہ کے سامنے، روئے گڑ گڑائیں، معافیا مانگیں. غیر ارادی طور پر ہمارے منہ سے کفریہ کلمات ادا ہو جاتے ہیں جس کا ادراک تک نہیں ہوتا ہمیں. ہمارے پاس موقع ہے کہ تاک راتیں آ رہی ہیں، وہ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا. ایک دفعہ سوچ کر تو دیکھیں، مانگ کر تو دیکھیں، دے گا. جس نے شب قدر میں حالت ایمان میں ثواب کے غرض سے قیام کیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. احمد صاحب، آپ کی محنت کا اجر 10,000. اللہ کا شکر ہے. بہت شکریہ آپ کا جناب، آپ نے میری مزدوری وقت سے پہلے دے دی. کیسی بات کر رہے ہیں احمد صاحب، مزدور کو پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت دے دینی چاہیے. بڑی مہربانی آپ کی، میں بہت پریشان تھا امام صاحب. رمضان ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو عید کے لیے کپڑے بھی دلوانے تھے. دیکھیں کہاں کا رزق کہاں لکھا ہوتا ہے. بیگ صاحب نے آپ کو نمبر دیا، آپ نے رابطہ کیا. میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا یہ دیوار بنوانے کے لیے. ویسے آپ پرانی آیات کی خطاطی کا کام بڑی خوبصورتی سے کرتے ہیں، کب سے کر رہے ہیں یہ کام؟ امام صاحب آپ کو جان کے بڑی حیرانی ہوگی کہ یہ خطاطی کا کام میں پیسے کمانے کے لیے نہیں کرتا، میں تو مزدور ہوں، مزدوری کرتا ہوں، الیکٹریشن. یہ کام تو بس میں شوق میں کرتا تھا. بیگم نے کہا کہ کام نہیں مل رہا تو آپ دوسرا ہنر بھی آزمائیں. بس دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ہاتھ پکڑ لی. بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب آپ کے لیے اللہ کی رسی دراز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ میرے پاس 2-3 کام اور بھی ہیں، مسجدوں کے اور چوک اور چوراہوں پہ خطاطی کا کام، مگر یہ کام ذرا سرکاری سطح کا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی سرکاری نوکری ہی مل جائے. بہت شکریہ امام صاحب. اچھا اب اجازت دیجیے، میں چلتا ہوں. اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے بے حساب روزی پہنچائے؟ ابے یہ دیکھ، نئی فلم آئی ہے، اس کی ہیروئن دیکھ کتنی ٹائٹ ہے. وہ بھائی گانا کیوں خراب کر دیا؟ اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ بھائی مسجد کے امام صاحب کی بیٹی ہے، اس کو تو بخش دے. ابے باہر نکلے گی تو دیکھیں گے نہیں، اب یہ مت کہنا کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے حاضر چاہیے.
अबू अबू मैं इतकाफ में बैठना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, अगर इतकाफ के कुछ उसूल हो इसके लिए रोज़ा शर्त है। वो मैं रोज़े तो सारे रखता हूँ और आगे भी रखूँगा इंशाल्लाह। देखो इतकाफ के कुछ उसूल होते हैं, कुरान पाक की तिलावत करना, दरूद पाक पढ़ना, जिक्र और अज़कार करना, अच्छी अच्छी बातें करना। कुरान पाक तो अबू मैं पढ़ता हूँ और बाकी सब मैं इतकाफ में बैठ के आपसे सीख लूँ। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारी उम्र के लड़के अक्सर यहाँ शुगर करने आते हैं और इतकाफ में बैठ के मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, दुनियावी बातें करते हैं। नहीं नहीं अबू मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं ये सब अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम इफ्तारी के बाद रजिस्ट्रेशन करवा लेना। ठीक है बेटा, अभी चलो ज़रा मेरे साथ अंदर, कुछ तुम्हें दीनी बातें सिखा दूँ आज। जो शख्स रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ करेगा उसको अल्लाह दो हज और उम्रे का सवाब अता करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, बड़े खुश लग रहे हैं आप। हाँ भाई बात ही कुछ ऐसी है, ये लो मेरे नए हुनर के पैसे। ये तो पूरे 15,000 रुपए। जी जनाब, ये पूरे 15,000 रुपए। अब इन पैसों से बिलाल के लिए अच्छे से कपड़े लेना है ईद के लिए, और तुम्हें भी जो दिल चाहे वो खरीद लेना। देखें, मैं कहती थी ना आपको कि आप अल्लाह से शिकवा नहीं करें, अपना एहतसाब करें कि आप क्या कर रहे हैं। वाकई मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर खत्ताती का इतना हुनर है, और अल्लाह ताला ने उसी हुनर को वसीला बना के हमारे लिए इतना रिस्क लिख दिया। अब्बू शॉपिंग भी कब चलेंगे। अरे बेटा जब तुम्हारी अम्मी बोले, मेरा तो ख्याल है आज रोजे के बाद चलते हैं इसको नए कपड़े दिलाएं। ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, ये अल्लाह पाक मेरा अब्बू को और अता फरमा। रमजान बहुत बाबरकत महीना है बेटा, सच्चे दिल से अगर कोई भी काम किया जाए ना तो अल्लाह ताला हाथ थाम देता है। बस अब हमें भी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना है, इसी में हमारे लिए फला है दुनिया में भी और आखिरत में। बिलाल बेटा इधर आओ, अब तो खुश हो ना भाई, इसको आज जरूर चलना है कपड़े देना। जी जी बिल्कुल। मुसलमान किस राह पर चल पड़े हैं, बेशक रोजा अल्लाह की खुशनूदी के लिए है जिसका इनाम ईद है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मुसलमान फजूल खर्च करे, हद से ज्यादा खाए, महंगा पहने। सूरह अल अराफ की आयत नंबर 31 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, खाओ पियो और हद से ना बढ़ो, बेशक हद से बढ़ने वाले उसे पसंद नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बहती नहर में वजू के दौरान जायद पानी का इस्तेमाल भी इसराफ है।